वादक रंगे हाथों पकड़ा गया। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने बयान दिया कि सभी कल्चरल प्रोग्राम्स पर हमेशा इस पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये तो मेरे मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देता। जो हुआ उसे भूल जाओ, ये बहुत शर्मिंदा है। अब इसे माफ कर दीजिए। इसके केस वापस लेने की जिम्मेदारी मेरी। अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए। ऐसे कैसे करवा दूं? मुझे तो लगा था ये मेरी बेटी के साथ डुएट सॉन्ग पे नाचेगा, लेकिन इसे तो आइटम गर्ल्स के साथ में नाचने का चस्का लग गया है। इससे शादी करवा दूं? आप मुझे गलत समझ रही है सासुमा। मुझसे तो कहा गया था वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम है और पेमेंट भी अच्छा है। अच्छा, रेड लाइट एरिया में कल्चरल प्रोग्राम था? सासुमा, और आधी रात में तेरे को पेमेंट कौन देता रे? ऐसा कुछ नहीं है सासुमा। अरे बाबा, वो क्या कह रहा है सुन तो लो। जाने दो, आप तो रहने दीजिए मम्मी जी। आपकी सुन के मैंने इसकी शादी सानवी से तय कर दी। इतनी तारीफ की तारीफ के लायक है ये? सासुमा कहा ना तो इन कुत्तों से तुझे कटवा दूंगी। हाँ आंटी, तुम्हें नहीं डांट रही हूँ बेटा। आपको अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करवानी है, यही ना? फाइनली यही बात है। हाँ यही बात है। निकलो यार, ये क्या बोल रहे हैं? निकलो सर, मैं इसे प्यार करता हूँ। सानवी, मैं तुम्हें फोन करके सब समझा दूंगा। नहीं नहीं सर, मारिए मत। अरे सर, सानवी फोन करके सारी गड़बड़ बता दूंगा बाद में। नहीं सर, सानवी को समझाने तो दीजिए सर। उसे आप ये क्या कर रहे हैं सर? तो एनकाउंटर कर दूंगा। कुत्तों को पत्थर मारने वाले राक्षस से शादी करना चाहती थी। क्या? कुत्तों को पत्थर मारता था? और क्या, उन्हें नींद से जगाकर लात मारता था। खून खोलता था इसकी हरकतों को देखकर। क्या आपको भी कुत्ते पसंद हैं? पसंद है? मैं तो कुत्तों के बीच पैदा हुआ हूँ, उनके साथ पला बड़ा, कुत्तों के बिस्किट की फैक्ट्री में काम किया। तुम्हारे हिसाब से कुत्ते क्या होते हैं? जो बिना किसी स्वार्थ के हमसे प्यार करे वो होता है कुत्ता। अरे, अपने साथी कुत्तों से ज्यादा वो इंसान से प्यार करता है। हम कर सकते हैं ऐसा? हम तो इंसान में कुत्ते ढूंढते फिरते हैं। सबको कुत्ते जैसा पति चाहिए जो पत्नी की गालियां और लात खा सके, कुत्ते जैसा ड्राइवर, कुत्ते जैसा नौकर। अरे कुत्ते घर की रखवाली 24 घंटे करते हैं जैसे तुम्हारी ये दादी करती है। तारीफ कर रहे हैं या ताने मार रहे हैं? मुझे कुत्तों पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा है। सानवी, इस दुनिया को इंसानियत की नहीं जरूरत है, कुत्ते पंती की। सानवी, अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी वाइफ का कुत्ता बनकर रहूंगा और जिंदगी भर बस उसी का वफादार रहूंगा। और क्या? सर, मुझे और कितने चक्कर लगाने होंगे? हर रोज मैं बताती हूँ कि मेरी बेटी लापता है, पर पुलिस कुछ करती क्यों नहीं? अरुण कौन है? अरुण कौन है? मेरी बेटी का फ्रेंड है, दोनों साथ में पढ़ते हैं। कहाँ रहता है वो? वो गाजुवाका में रहता है। गाजुवाका में माता की मंदिर के पीछे उसका घर है। जिस दिन से तुम्हारी बेटी गायब है उस दिन से वो भी घर नहीं आया। अब समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारी बेटी उसके साथ भाग गई है। जिस दिन अरुण का पैसा और बेटी के जेवर खत्म हो जाएंगे घर आ जाएंगे। अब जाओ। खुद के बच्चों पर कंट्रोल नहीं है, आ जाते हैं पुलिस को बदनाम करने। मिलेगी तो इन्फॉर्म कर देंगे। हेलो ब्रदर, बोलो क्या काम है? नाम है उसका वेंकट राव और उसका एक फार्म हाउस है जो मुझे चाहिए। मैंने उसे धमकाया भी लेकिन उस कमीने ने कलेक्टर से शिकायत कर दी। ये काम होना मांगता है। ए मूर्ति, गाड़ी निकालो। वेंकट जी, ये प्रॉपर्टी कब खरीदी? तकरीबन 25 साल। बाप रे, तब ये घर कितने का पड़ा? 2 लाख। और आज क्या कीमत है इसकी? करीब 50 करोड़ होगी। बाप रे, कीमत तो आसमान छू गई है। क्या बात है, गुड। वासु इसे खरीदना चाहते हैं, बेचते क्यों नहीं? साहब, वो मुझे धमका कर इसे 50 लाख में खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपसे सच कहता हूँ, इसे मैंने अपनी पोती के लिए रखा है। पोती को तो उसके पापा से भी बहुत कुछ मिल जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मेरा बेटा और बहू एक्सीडेंट में मर चुके हैं, अब मेरी पोती ही मेरी दुनिया है। तो वासु ऐसा क्यों कहता है कि घर के पेपर्स उसके पास हैं और वो लीगल ओनर है? सर, इस घर के सारे कागजात मेरे पास हैं। लेकिन ओरिजिनल पेपर्स का एक सेट तो उसके पास भी है। कल को वो अगर ओरिजिनल पेपर्स लेकर कोर्ट में जाएगा तो ये केस सालों साल चलेगा। ऐसे में आपकी पोती को ये प्रॉपर्टी मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है? मेरी बात समझिए, वासु 50 लाख देगा, बस पेपर पर साइन कीजिए। मगर इसकी कीमत 50 करोड़। अपनी पोती की जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या 50 करोड़? जानते हैं वासु कितना बड़ा सनकी है? अगर उसने आपकी पोती को किडनैप कर लिया, कहीं छुपा दिया तो, उसे जान से मार दिया तो? क्यों टेंशन बढ़ा रहे हैं वेंकट जी? पेपर पर साइन कर दीजिए। मेरी बात की सीरियसनेस को समझने की कोशिश कीजिए। साइन कर दीजिए। सर, आपकी पोती को किसी ने किडनैप किया है? कहा था ना आपसे ऐसा कुछ हो सकता है। मार देंगे आपकी पोती को वो।
उसे कुछ हुआ तो ना आप कुछ कर पाएंगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा। ऐसी प्रॉपर्टी किस काम की जो आपकी पोती की जान ले ले। आप अभी साइन कीजिए, मूर्ति पेपर ला। साइन कीजिए सर, सोचिए मत, साइन कीजिए। वेंकट जी मेरी बात की गहराई को समझिए, उस लड़की की जान बचानी है या नहीं, साइन कीजिए। इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया आपने। इससे तो अच्छा होता आप उसकी जान ले लेते, मार देते उसे जान से। सर, आप इंसान हो या पत्थर? आपके अंदर कोई फीलिंग्स है या नहीं? उसे बचा कर आ रहा हूँ। वो लोग मार देते उस लड़की को, और बुड्ढे को 50 लाख भी तो दिए ना। मैंने जो किया उसके पीछे खास वजह है मूर्ति। वाह वाह, आपके हर गलत काम के पीछे कोई न कोई सही वजह होती है, लेकिन इससे आप सही नहीं हो जाते। आप बहुत गलत काम कर रहे हैं सर। एक पुलिस ऑफिसर होकर एक गुंडे के लिए काम कर रहे हैं। वाल्टर वासु जैसे क्रिमिनल को आप सपोर्ट कर रहे हैं। सालों से उसे देखता आ रहा हूँ मैं, वो बहुत बुरा इंसान है सर। बुरा इंसान है? सालों से देख रहे हो? तुम जानते हो कि वो इंसान क्रिमिनल है, फिर भी 25 साल से यहाँ राज कर रहा है ना वो। अब तक मारा क्यों नहीं उसे? ये लो मेरी गन, लो जाओ उसे शूट कर दो। क्या मिलेगा इसके बदले तुम्हें? फांसी मिलेगी और कुछ नहीं। कल 100 और वासु खड़े हो जाएंगे। अगर ये सब कर सकते हो तो जरूर करो, लेकिन नहीं कर सकते तो अपना ये मुंह बंद रखो। ये जोश मत दिखाओ, या तो उस तरफ रहो या फिर इस तरफ रहो। तुम जैसे लोग जो कोई फैसला नहीं कर सकते, ना अपने देश के काम आते हैं, ना अपने परिवार के और ना ही अपने आप के। न्याय, ईमानदारी, देशभक्ति, ये बेमतलब की बातें मुझे मत सुनाओ। बैग में 500 के नोट कितने और 1000 के नोट कितने, ये गिनना सीखो। ये बेईमानी के पैसे हैं, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। देख, ये तुम्हारा नोट है और ये मेरा नोट है। ये ईमानदारी का है और ये बेईमानी का है। अब मैं इन दोनों को मिलाता। बताओ बताओ बताओ, इनमें से तुम्हारा कौन सा और मेरा कौन सा, बताओ मुझे। ईमानदारी इंसान के अंदर होती है, इस नोट के अंदर नहीं। इन पैसों को गाली देना बंद करो। देश में होने वाले हर अन्याय का पहला गवाह होता है ये नोट। हर एक नोट पर देखो, एक महापुरुष की फोटो छपी है ना, पर ये फोटो इनके खिलाफ गवाही नहीं देगी। ये लो, रखो इसे, रखो, और बैग अपने साथ घर ले जाओ। नहीं ले जाऊंगा। ठीक है, तो खुद को मेरा बैंक समझो और ये रुपए तुम्हारे पास जमा रखो। रुकिए, अच्छा हो अगर इसी वक्त एक सुनामी आ जाए और सुनामी की लहरें आपको बहाकर ले जाएं, उसमें डूबकर आप मर जाएं। चलो चलो, बुलाओ। कौन सी सुनामी बुलाना चाहते हो? बुलाओ बुलाओ, करो प्रार्थना अपने भगवान से। मैं पूरी रात यहाँ बैठने को तैयार हूँ। सुनामी से कहना मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं तैयार हूँ डूबने को, लेकिन वो मेरे लिए अलग से नहीं आएगी। और जब वो आएगी तो वो वासु, बूढ़े अंकल, उसकी पोती, बाकी सबको बहाकर ले जाएगी। मेरी और तुम्हारी तरह उसकी सोच में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो क्लियर है। सबको डुबा कर, मार कर, बहा कर ले जाना है। सुनामी लाएगा, सुनामी। चलो मैं बैठ जाता हूं, बुलाओ उसे। कहां है? इल्जाम तो ऐसे लगा रहा है मानो मेरी वजह से किसी का रेप या मर्डर हुआ। इतनी बकवास करनी थी तो डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन किया? पापा, आज लास्ट डेट है। अगर मैंने फीस नहीं भरी तो वो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। कॉलेज से मुझे निकाल दिया जाएगा। जरूरत पड़े तो बेहिचक उस बैग से पैसे निकाल लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कितनी फीस भरनी है बेटा? 40,000। तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई भूल जाओ, नाम कटवा दो कॉलेज से, आज से पढ़ाई बंद। सिर्फ हमें छोड़कर बाकी पुलिस वाले कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम ऐसे बाप की पैदाइश हो जो तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। तुम जैसे लोग जो कोई फैसला नहीं कर सकते, ना अपने देश के काम आते हैं, ना अपने परिवार के और ना ही अपने आप के। हाय।
यू। बोलो क्या गिफ्ट चाहिए? कोई इस तरफ पूछता है क्या? तुम खुद ही कोई सरप्राइज दे दो। सरप्राइज दे दूं? अगर तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आई तो उसका मैं क्या करूंगा? देखो लड़कियों की पसंद ना पसंद मेरी समझ में नहीं आती। मोबाइल्स, टीवीज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यहाँ पे स्मगलिंग गुड्स का मार्केट है, जो कहोगी ले आऊंगा। जब जरूरत होगी तब मांग लूंगी, लेकिन आज मुझे घुमाने के लिए प्लीज तुम इस पुलिस जीप में मत ले जाना प्लीज। अगर गर्लफ्रेंड को पिकनिक या मूवी के लिए ले जाना हो तो उसे बाइक पर ले जाते हैं, ये कॉमन सेंस है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब मैं क्या करूँ? बस दो मिनट का टाइम दो, कुछ करता हूँ। ए रुक रुक, तेरी तो रुक 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 रुक। पुलिस, मेरे पास सभी पेपर्स हैं। अरे पेपर्स किसको चाहिए, मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए। उतरो उतरो उतरो। किसी मुजरिम का पीछा करना है? नहीं नहीं, पिक्चर दिखानी है, चलो उतरो। मुजरिम का पीछा करवा। ए रात को पुलिस स्टेशन आकर गाड़ी ले जाना। मेरे वाली को कैसे ले जाऊं? मेरी गाड़ी खड़ी है, पुलिस जीप है, शाइनिंग मार ले जा। आओ बैठो। बैठ जाइए मैडम। प्यार से चलाना और टैंक फुल करवा के लाना। टैंक फुल करूं? हां फुल 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 जाइए। पागल हो गया है। तुम्हारे डिपार्टमेंट में भी तो कुत्ते होते हैं। हां लेकिन वो बहुत ट्रेंड और इंटेलिजेंट होते हैं ना। हमने कई बार वो कुत्ते मांगे लेकिन उन्होंने नहीं दिए। हमें वो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए चाहिए, तुम अरेंज कर सकते हो? आजकल एक इंसान दूसरे की भी इतनी परवाह नहीं करता। कुत्तों की जरूरतों के लिए तुमने इतने प्यार से रिक्वेस्ट की बात दिल को छू गई। तुम्हें प्यार करना मतलब कुत्तों से भी प्यार करना। चलो ये भी कर लेंगे। फ्राइड खाओगी या ग्रिल? क्या मतलब? मछलियाँ खाती हो या नहीं? मुझे मछलियों को मारना पसंद नहीं। चिकन? नो। मटन? नहीं। तो फिर खाती क्या हो? वेजिटेबल सूप, दाल राइस, आलू के पराठे, पालक पनीर और गाजर का हलवा। अरे वाह, तो अंडा भी नहीं खाओगी? बिल्कुल नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं तो खाऊं ना? नो। मछलियाँ वैसे भी मर चुकी हैं, इन्हें पानी में फेंकेंगे तो पानी गंदा हो जाएगा। तुम रुको यार। अरे कौन सी मछलियाँ हैं? बहुत सारी हैं साहब। नाम तो बताओ। चलो मैं खुद ही चेक करता हूँ। ये वाली कौन सी है साहब? ये पापड़ है। उसका क्या नाम है वो वाली? वो सुरमई है। नहीं नहीं ये ठीक लग रही है, इसे पैक कर दो। जी सर। दो जल्दी।